मेरे 99.2% आए हैं। ये परसेंटेज आप लेके आई, क्या मेहनत रही है आप? मेहनत तो काफ़ी रही है। आई थिंक दिसंबर से ही मेरे जब स्कूल के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तब से समझ आ गया था कि फोकस करने की बहुत रिक्वायरमेंट है, इसलिए तब से रूटीन बना के फॉलो करा है। तो इट इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हमारे टीचर्स ने हमें बहुत सारे मटेरियल्स, रेफरेंस बुक्स बहुत सब प्रोवाइड किए। हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी की थी, दिन के 10-10 घंटे स्कूल के अलावा भी बहुत सारे हमने पढ़ाई की थी। हमने प्रैक्टिकल में थियोरी में बहुत हेल्प की थी। पेरेंट्स को भी मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, घर पे भी बहुत पूरा सपोर्ट मिला था। फिर मैंने नीट की भी तैयारी की थी और उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर एक्सपेक्टेड है और मुझे बोर्ड्स में 95% आए हैं। अभी 12th के बोर्ड एग्जाम्स में मेरे 99.6% आए हैं। आउट ऑफ 500 498 मार्क्स आए हैं, जिसमें इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी में 100 आए हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में 99 आए हैं। जब स्कूल से आती थी तो मैं अपना मेन फोकस रखती थी कि मेरी असाइनमेंट्स और सारा रिटन वर्क कम्प्लीट हो जाए, एंड बाकी दिन फिर मैं 5 to 6 आवर्स वीकेंड्स पे लर्निंग और रिविजन करती थी। एंड आगे मेरे को साइकोलॉजी परस्यू करनी है DU से। हमेशा से साइकोलॉजी में ही मेरा इंटरेस्ट रहा है, तो मैं चाहती हूँ मैं उसी फील्ड में ही कुछ करूँ। एंड मेरे घर में मेरी मम्मा और मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है। मैं जो भी करना चाहती हूँ उन्होंने हमेशा बोला है कि जो तुझे करना है तू अपनी मर्जी से कर, कोई रोक टोक नहीं है। आज मेरा CBSE का रिजल्ट निकला एंड आई हैव सिक्योर्ड 90%, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ तो मेरे पेरेंट्स का रहेगा एंड उसके बाद बड़ी दीदी जिन्होंने इतनी हेल्प की है, लाइक अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, शी हैज़ हेल्प्ड अस टू गेन द मॉरल वैल्यूज़। और सभी टीचर्स जो भी मेरे सब्जेक्ट टीचर्स हैं, जो भी मेरे करिकुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प किए जिन्होंने, तो उन सबका भी बहुत बड़ा रोल है। एंड उनके साथ साथ आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है। एंड येस, बहुत खुश हूँ मैं अपने स्कोर से।